उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। उस दौरान एक नाम खूब चर्चाओं में था, वो नाम था सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल का। अजय कोठियाल उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उस दौरान वे खूब चर्चाओं में छाए हुए थे। आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान में वे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ नजर आते थे। चुनावी मैदान में उन्हें बीजेपी से मुकाबला करते और खूब पसीना बहाते देखा गया था। लेकिन चुनाव गुजरे और उसी के साथ गुजर गई आम आदमी पार्टी में उनकी आस था। आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तभी से उनके आगे के सियासी डगर को लेकर खूब चर्चाएं थीं, खूब अटकलें लगाई जा रही थीं कि आगे उनका सियासी भविष्य क्या रहने वाला है। इस बीच उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने भी खूब जोर पकड़ा। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में जोरदार चर्चा है कि वे जल्दी ही बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर देंगे। हालांकि इस पर कर्नल कोठियाल ने अभी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन चर्चा इस बात की भी खूब जोरदार है कि वे इन दिनों बीजेपी के आला लीडरान से गुपचुप वाली मुलाकातें कर रहे हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने उस वक्त जोर पकड़ा है जब चंपावत में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चर्चा है कि वे चंपावत विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से उम्मीदवारी चाहते हैं। राजनीति में उनकी रुचि अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद उनके सामने बीजेपी ही एक मजबूत विकल्प है। इस बीच दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कर्नल कोठियाल का नाम लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल को चुनाव में बतौर सीएम कैंडिडेट मैदान में उतारा था, लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो कर्नल कोठियाल समेत टीम से 400 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने उत्तराखंड में बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सब हवा हवाई निकले। गौरतलब है कि चुनाव में आपकी तरफ से सीएम उम्मीदवार रहे कर्नल कोठियाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। बताया जाता है कि पार्टी के नए अध्यक्ष का चयन और पार्टी की मजबूती में उनसे सुझाव नहीं लिया गया था, जिस बात से वे इतने खफा हो गए कि उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।